हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10। टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 4.4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। इसकी फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर डी की वैल्यू जीरो आती है तो रूट्स इक्वल होते हैं, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रूट्स रियल होते हैं, और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, नो रूट्स, राइट। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करूँगी, सबसे पहले डी फाइंड करूँगी। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर, इसी फॉर्मूला होता है। बी की वैल्यू माइनस थ्री एंड ए की वैल्यू टू, सी की वैल्यू फाइव और फोर फॉर्मूले से। माइनस थ्री का स्क्वायर किया नाइन, फोर टू जा एट, एट फाइव जो फोर्टी, माइनस फोर्टी, फोर्टी में से नाइन गए माइनस थर्टी वन। अब डी आ रहा है नेगेटिव, अगर डी नेगेटिव है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, नो रूट्स एग्जिस्ट, राइट। सेकेंड पार्ट, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। पहले डी फाइंड किया, माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू फोर, इट इज सिक्सटीन इंटू थ्री माइनस फोर्टी एट, फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट जीरो। अगर डी जीरो है तो रूल इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे रूट डी लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, क्योंकि डी की वैल्यू तो जीरो आई है ऊपर, तो माइनस बी बाय टू ए भी लिख सकते हो सिर्फ, ठीक है। तो माइनस फोर रूट थ्री टू इंटू थ्री सॉल्व करके आपका आंसर आ गया टू बाय थ्री रूट थ्री। नेक्स्ट पार्ट, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री, डी निकाला आपने, आपका डी आ रहा है सॉल्व करके 12, फिर फॉर्मूले में डाला इसको, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, रूट 12 है डी में, तो 12 को आपने ब्रेक किया टू इंटू टू इंटू थ्री, ठीक है, अपॉन फोर। टू एक बाहर आ गया आपका, प्लस माइनस दोनों साइन है, पहले मैंने टू कॉमन लिया, फोर से काटा, उसके बाद थ्री प्लस रूट थ्री बाई टू और थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ के फोर इक्वल रूट्स। अब पहले से क्वेश्चन में गिवन है इक्वल रूट्स हैं, तो डी इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर, इसको पहले से जीरो लेके चलोगे, यानी के स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री इज इक्वल टू जीरो। के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, 24 प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, टेंथ क्लास में इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको, जब भी रूट होगा तो प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, और सॉल्व होके आ रहा है आपका टू रूट सिक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट खोली, के एक्स को एक से मल्टीप्लाई किया के एक्स स्क्वायर, के एक्स को टू से मल्टीप्लाई किया माइनस टू ए के एक्स प्लस सिक्स। डी जीरो है, फिर से वही बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू के स्क्वायर माइनस फोर के सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉल्व होकर आपके आ गया फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इज इक्वल टू जीरो। फोर के कॉमन ले लिया, के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक बार 4k को 0 से कंपेयर किया, एक बार k माइनस सिक्स का, तो आपका आंसर आया k 0 एंड 6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर लेंथ ब्रेथ से ट्वाइस है, ब्रेथ को x सेलेक्ट कर लो, लेंथ को 2x, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बिकॉज एरिया इज गिवन टू यू 800, तो एरिया इज इक्वल टू x इंटू 2x इज इक्वल टू 800, 2x का स्क्वायर इजिकल टू 800, x स्क्वायर इजिकल टू 400 आ जाएगा, और x की वैल्यू 20 आ रही है, तो जो लेंथ है वो उसकी ट्वाइस है, इसलिए 40 आ गई, लेंथ ब्रेड दोनों आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दोनों फ्रेंड्स की एज जो उनका सम 20 है, तो फर्स्ट की अगर फ्रेंड की एज x है तो सेकंड की 20 माइनस x, वेट, दूसरे फ्रेंड की एज है 20 माइनस x। अब दोनों की एजेस 4 साल पहले मल्टीप्लाई करूं तो उनका प्रोडक्ट उसने बोला है 48 है, ठीक है, इसमें से भी 4 माइनस कर दो, इसमें से भी 4 माइनस कर दो, ये 48 आ गया, x माइनस 4 16 माइनस x इज इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई करके आपकी क्वाड्रेटिक सॉल्व होके आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। बहुत लंबा था ये, तो मैंने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन ट्राई नहीं की, मैंने डी डायरेक्ट लगाया। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। जब यहाँ फॉर्मूला लगाया तो डी आ रहा है माइनस नेगेटिव, इट मीन्स की एजेस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसलिए हमने इसे रिजेक्ट कर दिया कि ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80। पैरामीटर 80 गिवन है, लेंथ और ब्रेथ को एक्स वाई ले लिया, पैरामीटर का फॉर्मूला 2l प्लस बी 2x प्लस वाई इजिकल टू 80, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 40 आ गया, एक की वैल्यू निकाल लो एक्स या वाई की, और एरिया आपको गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला है x इंटू वाई इज इक्वल टू 400, वाई की वैल्यू यहाँ थी 40 माइनस एक्स, आपने यहाँ पुट कर दी, यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, आइडेंटिटी बन रही है ये ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की, x की वैल्यू 20 आ गई, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों कितनी आ गई 20 20, तो रेक्टेंगल तो नहीं बन रही, स्क्वायर बन रहा है, राइट।